राग जैतसरी। नात कछु ना जानो मन माया के हाथ बकानो राव तुम कहियत हो जगत गुरुस्वामी हम कहियत कल जुग के कामी इन पंचन मेरो मन जो बेगारे हो पल पल हर जीते अंतर पारो जत देखो तत दुख की राशी अजो ना पत्याए निगम पै साखी गौतम नार उमापत स्वामी शीस तरन सहस पग गामी इन दूतन खल बद कर मार्यो बड़ो नलाज अजहू नहीं हार्यो कैरवदास कहा कैसे की जय बिन रघुनाथ शरण का की लीजे तन तन जगत गुरु रविदास जी महाराज सब जीवानू प्रभु दा सिमरन करके पंजा बेकारां तो और संसार दी माया तो मुक्त होण दा पावन उपदेश बख्शिश करदे हन। नात कछु ना जानो मन माया के हाथ बकानो राव हे संसार दे मालक प्रभु जी मैं आप दी महिमा नहीं जानदा क्योंकि मैं पाप जीव दा जो मन है माया दे हाथ बिक चुका है माया विच खिचत हो चुका है माया विच लवायमान होया जीव आप दी महिमा नहीं बयान कर सकता। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल जुग के कामी प्रभु जी आप सारे संसार दे स्वामी कहे जांदे हो आप सारे संसार दे मालक हो असी संसारी जीव कामना करके संसार विच कामे कहाउंदे हां जिस वेले जीव ते आप कृपा करदे हो ओह जीव आप जी दे सिमरन विच लग के कामनावां तों मुक्त हो जांदा है। इन पंचन मेरो मन जो बेगारे हो पल पल हर जीते अंतर पारो इना पंजा ने काम क्रोध लोभ मोहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध ने जीव दे मन नूं इना बिगाड़ दिता है ए जीव पल पल प्रभु तो दूर हुंदा जा रहा है। इस जीव नूं अमोलक जन्म प्रभु दे सिमरन करन वास्ते प्राप्त होया पर बेकारां विच खिचत होया जीव पल पल परमात्मा तो दूर ही दूर हुंदा जा रहा है। जत देखो तत दुख की राशी अजो ना पत्याए निगम पै साखी
सतगुरु जी फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम तो बिना मैं जिधर भी देखता हाँ हर पासे संसार विच विकारा करके दुखी दुखन पावे वेद शास्त्र धार्मिक पुस्तक इस गल की गवाही दिंदियां हन कि विकार दुख रूप हन परमात्मा तो दूर ले जा रहे हन पर इस गल ते जीव का मन विश्वास नहीं करता इस करके जीव दुखी हो रहा है। गौतम नार उमापत स्वामी सीस तरन सैस पग गामी इना पंजा दे विकारां हेठ गौतम रिखी दे इस्त्री अहल्या नाल इंद्र ने विचार किया। उमा का पति शिवजी और ब्रह्मा ये सारे ही इन विकारां दे अधीन आए माया दे प्रभाव हेठ आए जिमें सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं सरपनी ते उपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव चलिया। इस माया ने ब्रह्मा विष्णु महादेव सारे नूं अपनी लपेट विच लिया है। इन दूतन खल बद कर मारियो बड़ो नलाज अज हूं नहीं हारियो। इना पंजां दूतां नूं काम क्रोध लोभ अहंकार नूं बन के मारना चाहिदा है जिन्हां ने जीव नूं अपनी लपेट विच लिया है और ये बड़े निर्लज हन बड़े बेशर्म हन जो जीवां नूं अपने प्रभाव हेठ लेंदे होए हार नहीं रहे हन। भाव प्रभु दे नाम तो बिना ये जीव माया दे विच लवायमान होया है इस करके दुखी हो रहा है। कह रवदास कहा कैसे की जय बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं इन्हां पंजां विकारां और माया दे प्रभाव तो बचने की कीता जावे। सतगुरु जी फरमाते हैं प्रभु दी शरण ग्रहण कीती जावे। प्रभु दी शरण ग्रहण करन नाल जीव इन्हां विकारां तो और माया तो मुक्त हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं कहो कबीर जिस उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया। सौरे जीव माया दी लपेट विच हन जिस वेले संतां दी संगत प्राप्त हुंदी है ये जीव माया दे प्रभाव तो मुक्त हो जांदे हन। साधु संगत दी ओर लाए पांच दूत तोलिए सडाए जिस वेले प्रभु दी कृपा हुंदी है ये जीव संतां दी संगत विच जांदा है। संतां दी संगत दे प्रताप करके ये जीव पंजां दूतां तो मुक्त हो जाता है। सतगुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। ये साडा सी रूपी नगर काम क्रोध आदिक विकारां नाल भरिया होया है। संतां दी संगत करके विकारां दा नाश हो जाता है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन शब्द च फरमाते हैं कि पंजा विकारां तो जीव प्रभु दा सिमरन करके ही मुक्त हुंदा है। जय गुरुदेव।